हेलो हेलो दोस्तों, मैं 50-50 फूडी से आज इस वीडियो में हमारी होमली डिश यानी कि कुरकुरे मैगी या फिर ब्राउन मुंडे मैगी, जो मैंने उसको नाम दिया है क्योंकि वो ब्राउन हो जाती है, उसको आज बनाने वाले हैं। और उसका तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस बनाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्राउन मुंडे मैगी या फिर कुरकुरे मैगी आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो में हमने सब प्रोसेस समझाया है, आप आराम से देखिएगा। इस गरम तेल में हमने प्याज डाल दिए, थोड़ी ब्राउन होने के बाद में ये डाल दें मिर्च। ये देखिए, इसमें क्या क्या डाल, अभी इसको चला दें, थोड़े हिला देंगे, थोड़ा वो हो जाएगा। टमाटर को भी पकाना है क्या? गैस तो तेज करो। तो दोस्तों, कोरोना का काल है, सबका बुरा हाल है, बाहर जा नहीं सकते, कुछ ला नहीं सकते, घर में बैठे खा रहे और बना रहे ब्राउन मुंडे मैगी या फिर कुरकुरे मैगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। मैं डालने वाली हूँ कुछ मसाला। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी मलाई। क्यों? जिससे कि इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा, इससे मसाला भी नहीं लगेगा। इसमें नहीं लगेगा मसाला? कढ़ाई में मसाला नहीं लगेगा इसकी तली पे। अच्छा, और इसे स्वाद भी अच्छा आएगा। तो कढ़ाई के लिए तो फिर घी भी डाल देते हैं, तेल भी डाल देते हैं, मलाई क्यों डाली? वो उससे इतना अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब हमारा पेस्ट हो चुका है तैयार। अब इसमें डालेंगे हम अपने फ्राइड नूडल्स यानी कि फ्राइड मैगी, जिसको हमने डीप फ्राई किया था और उसको ब्राउन कर लिया था, गोल्डन ब्राउन। आप ये साथ के साथ देख रहे होंगे कि यार इसमें नूडल तो पड़ चुके हैं, ठीक है, और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा भेलपुरी टाइप लगेगा दिखने में, लेकिन इसका स्वाद पूरा मैगी वाला आएगा। और जब इसको खाओगे ना, तो आप खुद से फील करोगे कि यार क्या चीज़ बनाई है। अब इसको करना कुछ नहीं है, जैसे हमने इसमें मैगी अपने डाल लिए, जो अपने डीप फ्राई मैगी की थी, अब इसको ना मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अपन ने सारे मसाले जो होते हैं, मैगी मसाला जो सब होता है, सब इसमें डाल दिया है, और एक्स्ट्रा मसाले भी ऐड किए, जैसे किचन किंग वगैरह और थोड़े बहुत सॉसेज वगैरह। तो उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए ना, इसमें क्या हमने ना इसमें मलाई डाली है, तो मलाई से थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा और थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा मिलके। और मलाई से एक फ़ायदा ये, मलाई और प्लस थोड़ा थोड़ा हमने पानी के ड्रॉपलेट्स डाले हैं, उससे होगा क्या कि जो मसाला है ना, वो चिपक जाएगा इसमें अच्छे से, क्योंकि अभी ये डीप फ्राइड है तो ये थोड़ा ना पकड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी अब पानी डालने से और मलाई डालने से ना ये पकड़ लेंगे मसाले को। तो अपन अब इसमें ना पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, लेकिन आपको कम ही करना है, और हो सके तो आप स्प्रिंकल ही करना है बस पानी को, क्योंकि आप ज़्यादा पानी करोगे ना तो यार फिर वो इतना जो बिल्कुल क्रिस्प वाला जो मज़ा, कुरकुरे वाला मज़ा है ना, वो नहीं आएगा। आप बस थोड़ा ही डालना, थोड़ा ना ज़्यादा पानी हो गया था तो हमने ना इसको अब एक दो मिनट फ्लेम पर रखेंगे, ताकि जो फ्लेम है वो इवेपोरेट हो जाए, और फिर आराम से हम इसमें अपन सूखी सूखी जो मैगी होती है अपनी ड्राई वाली, वो खा सके, कुरकुरी मैगी, ब्राउन मैगी। अपनी ना कुरकुरी मैगी या फिर ब्राउन मैगी बनके तैयार हो चुकी है। अब ना इसका लुक देखते हैं कि आपकी कैसी, ऊपर से देखने में देखो सही फील नहीं हो रही, और आप ना इसको पकड़ोगे ना तो वो क्रिस्पी फील होगी हाथ में, कमरे में ऐसे लग रही होगी लेकिन एक्चुअल में क्रिस्पी फील होगी। और अगर आप खाओगे ना तो वो में ऐसे कंचा स्वाद आएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप कुरकुरे खा रहे हो या मैगी खा रहे हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो सॉसेज है ना, अपने रेड केचप सॉस और ये ग्रीन चिली सॉस, इनको ना लास्ट में डालना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में डालोगे ना तो यार ये ना थोड़ा अजीब सा टेस्ट भी। अभी ये देखिए थोड़ा इसको, अच्छा हिलाना भी है इसको, हिला देना है। ये किस लिए, कि ये खुल जाए या किस लिए? ये खुल जाएंगी ना। अच्छा, खुल जाएंगी, बंदी बंदी रह जाए। अच्छा, मतलब चिपके ना ये, इसलिए चिपकेंगे।
देखना देख कितना सुंदर कलर आया है इसका। हाँ बिल्कुल ब्राउन कलर है, गोल्डन गोल्डन ब्राउन। आप इसको खाओगे ना। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। अच्छा इसमें सर्व करेंगे। ठीक है ठीक है, करिए। ये जो खुरचन है ना इसको भी डालना, क्योंकि खुरचन अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। हाँ ज़्यादा चिक्की मिक्की तो नहीं है। नहीं एक नंबर की बता दी मैंने, सब मसाले वसाले मिर्चा उर्चा सब नीम की। कुरकुरा लग रहा है खाने में? बहुत कुरकुरा लग रहा है, बहुत टेस्ट आ रहा है।